ओम नमो नारायण। श्रावण मास की सभी भक्तजनों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। भगवान शिव सब पे कृपा दृष्टि रखने वाले देवादि देव महादेव, जो देवों के देव हैं एवं सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले और सिर्फ साधारण पूजा से, मात्र जल के लोटे से प्रसन्न होने वाले सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे जो देव हैं, आदि देव महादेव हैं, जिन्हें जल्दी प्रसन्न होने के कारण इनका एक नाम आशुतोष भी है। भगवान शिव की महिमा के बारे में क्या कहा जाए कि जब जब पृथ्वी पर या जब जब देवताओं में भी कोई संकट आया है तो भगवान शंकर ने उस संकट को दूर किया है, उस कष्ट की निवृत्ति की है। जैसा कि समुद्र मंथन के समय भी भगवान ने हलाहल विष का पान करके सबका उद्धार किया और सबके हित का कार्य किया, भगवान शिव ने अपने कंठ में विष स्थापित करने से उनका एक नाम नीलकंठ भी पड़ा। भगवान शिव ऐसे देवता हैं, ऐसे प्रभु हैं जो जिन्हें देवता भी पूजते हैं, जिन्हें राक्षस भी पूजते हैं, यानी सबके जो चराचर पति भगवान शिव जो हैं वो, इसीलिए शिव की महिमा अत्यधिक है और सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले और सिर्फ स्मरण मात्र से। जैसे कई भक्त श्रावण मास में, श्रावण के महीने में सवा लाख जप का संकल्प लेते हैं, कोई 5 लाख का लेते हैं, कोई 2 लाख का लेते हैं, कुछ भक्त हैं वो यथाशक्ति का संकल्प लेते हैं, तो भगवान सबका संकल्प पूर्ण भी करते हैं। दृढ़ संकल्प होना चाहिए और जो भी भक्त जिस भावना से भगवान को भजते हैं, जिस कार्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए, तो भगवान शिव तो चारों पदार्थों को देने वाले हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सब प्रकार के जो चार पदार्थ बताए गए हैं वो सब के प्रदाता भगवान शिव हैं। ऐसे देवादिदेव महादेव की जो महिमा है वो सभी शास्त्रों में, सभी संतों ने, सभी महापुरुषों ने बखानी है। और अत्यधिक अगर ज़्यादा जानना हो तो शिवपुराण का अध्ययन करें, उससे हम शिव के बारे में जान पाएंगे। शिव क्या है? शिव वो हैं, शिव यानी कल्याण, शिव का अर्थ होता है कल्याण, जो सबका कल्याण करने वाले हैं उन्हें शिव कहते हैं। और सिर्फ मैं कह रहा था स्मरण मात्र से, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है अपने, 12 ज्योतिर्लिंग का जो महत्व है वो बहुत बहुत ही सुंदर और बहुत ही जीवन में सुखदायी और मोक्ष प्रदाता है। जैसा एक श्लोक में कहते हैं, द्वादश ज्योतिर्लिंग जो स्तोत्र है उसमें कहते हैं, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्री शैल्य मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्याम महाकाल ओंकार ममलेश्वरम, पर्याम वैद्यनाथम च डाकिनाम भीमशंकरम, सेतु बंदेतु रामेशम नागेशम दारुका वने, वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गोतमी तटे, हिमालय तु केदारम घुस्मेश्म च शिवालय, एतानि ज्योतिर्लिंगानि शयन प्रतिपटे नर सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणे निवृश्यति, यानी 7 जन्मों के पाप सिर्फ
और सिर्फ केवल स्मरण मात्र से सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति, सिर्फ स्मरण मात्र से सात जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे महादेव, ऐसे श्री काशीपुरेश्वर महादेव व ऐसे भगवान शिव सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, सबका कल्याण हो, संतों की यही भावना रहती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।